एक बार चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वह सभी भिक्षु अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसके ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दाव पर लगाना होगा, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लग पाएगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ, और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश का पालन करते हुए चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीने चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह विचार अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना कभी ध्यान किया था और ना ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसको मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्य ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्य में से एक शिष्य वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखे। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्य को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं का धूल जमा हो जाता है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है वह मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरु उठे तो उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरे दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजर रहे थे जो 12 साल पहले यहाँ पर आया था और दिन रात बस चावल कूटता रहता। दोनों का चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों की नजर में यह चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते देखा था और ना ही कोई शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, बस चावल कूटना ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे,
लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरु सही बोल रहे हैं। यह सभी पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मोल नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसे पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ, और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वह गुरु के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोले और दूसरा शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरु इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखने के लिए कहा था वह बहुत ही अद्भुत थी, और वो पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वह सच को जान गया है। जब गुरु ने उन पंक्तियों को देखा तो वो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था, गुरु ने उसे जगाया और कहा, यह लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वह तुम्हें मार देंगे क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण से चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और ये केवल चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और वहाँ से वह चला गया। अगर हम अपने जिंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, या अपना काम कुछ करते हुए भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि खुद का उसे ख्याल ही ना रहा। चावल कूटते हुए ही उसने अपने आप का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह मन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए।